How are you all? Hello everyone, welcome back to my channel. Hope आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आ गई हूँ एक और अपने ब्लॉग के साथ जो कि है गणेश चतुर्थी का ब्लॉग। तो आज हम लोग घर पे ही गणपति की पूजा किए हैं और कैसे किए हैं वो सब मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैंने मोदक भी बनाया है, उसकी थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स दिखाई है और डिटेल वीडियो मोदक की वो लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी की है जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं और वो भी ब्लॉग देख सकते हैं। उसमें हमने खुद से मूर्ति बनाया था गणेश भगवान का हल्दी से। तो इस बार हमने बस जो घर पे गणपति हैं उन्हीं की पूजा की है, प्रसाद बनाया, मोदक बनाया है और सूजी का हलवा बनाया है। और किस तरीके से पूजा की है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे। तो होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। छोटा सा ही व्लॉग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये सुबह से गणपति पप्पा मोरिया का रट लगा के रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है मेरी छोटी सी डेकोरेशन फॉर बप्पा। ये मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसी से डेकोरेट किया है, सब कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर और थोड़ा बहुत ये रेड पेपर लगाकर मुझे जितना समझ में आया मैंने कर दिया है, क्योंकि ये उन्हों की तीज था और उसमें मैं बिजी थी। तो चलिए अब मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने इसमें एक कटोरी पानी लिया था और उसमें हल्का सा सॉल्ट और बिल्कुल 1/4 टीस्पून घी डाला था और उसमें मैं डालूंगी 1.5 कटोरी चावल का आटा और इसे इस तरीके से बस मिक्स करना है और रख देना है ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे अच्छे तरीके से गूंद कर और फिर इसका मोदक बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं मोदक की स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी घी और ये है कोकोनट और जैगरी। जितना कोकोनट रहे उसका आधा जैगरी डालना होता है। 1/4 टीस्पून घी और उसके बाद उसमें डाला है नारियल। जितना नारियल रहे उसका आधा हम लोग को जैगरी डालना होता है। तो पहले नारियल को अच्छे तरीके से भून लेना है। नारियल भून चुका है, ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जैगरी और इसमें कुछ और ऐड नहीं होता। आप चाहे तो इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये आटा मैंने बस ऐसे ही इसे करके रख दिया था। अब हम लोग को दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से गूंदना है जिसमें थोड़ा सा भी दरार पड़ने वाला ये ना रहे, बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो बस गर्म पानी में आटे को अच्छे तरीके से मिलाकर मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मैं इसे अच्छे से गूंद रही हूँ। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा लेकर और आपको इस तरीके से गोल बनाकर दिखा रही हूँ। अगर इसमें थोड़े से भी इस बॉल्स में अगर हल्की भी दरार आती है इसका मतलब कि ये अच्छे से नहीं गुना हुआ है। तो ये देखिए इसके लिए पानी का मिक्सरमेंट और अच्छे से इसे गूंदना है। तो चलिए अब बनाते हैं मोदक। तो मैंने ले लिया है एक रोलिंग पिन, उस पर मैं बेल रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। ये मैदा या फिर आटा नहीं है, ये बहुत चिपकता है इसलिए ध्यान से इसे बेलना है, उठाना है, फिर इसे हाथ में लेके चारों तरफ से इसके प्लेट्स बनाने हैं जैसे हम मोमोज वगैरह के लिए बनाते हैं। उसके बाद इसमें बीच में मैं डालूंगी स्टफिंग। वैसे मोदक की डिटेल रेसिपी लास्ट ईयर के व्लॉग में है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं बता दे रही हूँ। स्टफिंग डाल के फिर इस तरीके से इसे घुमाते हुए ऊपर ले जाना है और इसके कॉर्नर को पतला करना है। तो देखिए ये अपने आप शेप में आ रहा है और ये यहाँ पर लगे आपको कि आटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा तोड़ ले और फिर इसे इस तरीके से पतला और लंबा शेप दे दे। तो ये रहा हमारा मोदक कर बिल्कुल तैयार हो गया। ये ट्रेडिशनल मोदक है इसलिए इसमें हल्का सा सॉल्ट भी पड़ा है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये बन चुका है। अब चलिए एक और तरीका दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से हाथ में लेके इसे करना है चारों तरफ से घुमाते हुए, बीच में बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से बराबर करना है जैसे हम लोग स्टफिंग पराठा वगैरह के लिए बनाते हैं स्टफिंग डालने के लिए इसमें। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें इसके प्लेट्स बनाऊँगी चारों तरफ से इस तरीके से, जितना हो पाए उतना बना देना है, थोड़ा 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 लेकर और बीच में जो स्पेस है उसमें हम लोग को डालना है ये स्टफिंग और फिर उसी तरीके से चारों तरफ से इसे घुमाते हुए बीच में लाकर लंबा करना है। तो जस्ट लाइक मोमोज, आप जैसे मोमोज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी बनाना है।
तो ये देखिए, ये भी मोदक हमारा बनकर रेडी हो गया। और आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड वाला बना सकते हैं, वो तो और भी इजी है। तो ये देखिए, हमारा मोदक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम लोग इसे स्टीम करेंगे और पानी बॉयल होने लगा है। अब हम लोग इसमें स्टीमर डाल देंगे और उसके बाद से ये सारे मोदक को उसमें रख कर हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मोदक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे 20 मिनट के लिए स्टीम किया था। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। फल और सारा सामान, पान, सुपारी, और ये मैंने बनाया है सूजी का हलवा, जो कि ड्राई फ्रूट सूजी घी डालकर बना हुआ है। तो ये रहा मोदक और वो रहा हलवा। तो चलिए फटाफट से पूजा शुरू कर देते हैं। एवरीवन, तो
आई होप कि आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा ही व्लॉग था, लेकिन जो कुछ भी मैंने पूजा किया आप लोग के साथ शेयर किया। खाना वगैरह बस अभी जस्ट खत्म किया है, और आप मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शेयर नहीं किया, खाना वगैरह हल्का फुल्का ही कुछ बनाया था क्योंकि कल तीज था तो बहुत थकी हुई थी, बट हाँ गणपति था तो पूजा तो करना ही था। तो प्रसाद बनाया, खाना बनाया, बस खाए, पूजा किए, वही आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, और तीज का व्लॉग भी आप लोग देख चुके होंगे। तो प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहाँ भी होगा तो आप ज़रूर से भी देखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपने एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।